इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में पीछे आ चुका है स्पाइडरमैन, और गाइज ये हमें किल करने के लिए नहीं बचाने के लिए आ रहा है, क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम बैक है आप सभी का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज हम खेलने वाले हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। और गाइस आज मैं सुनसान सड़क पे अकेला ड्राइविंग कर रहा हूँ, गाइस मेरे पीछे कोई मॉन्स्टर ना आ जाए। वैसे हमारी सिटी में आ चुका है स्पाइडरमैन, तो डरने की तो कोई बात है नहीं, बट फिर भी यार आजकल बहुत सारे मॉन्स्टर भी घूमने लगे हैं। ओके, पीछे से कोई सी आवाज आई मुझे, देखते हैं क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, चक्की डॉन आ चुका है। गाइज ये बहुत खतरनाक मॉन्स्टर तो नहीं है, बट एक खिलौना है यार, बहुत खतरनाक डॉल है ये। यहाँ से मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भागना पड़ेगा। कहीं गाइज चक्की डॉन मेरे पीछे तो नहीं आ रहा ना। चलो गाइज फटाफट से यहाँ से भागते हैं यार, अगर उसने एक बार हमला कर दिया ना तो वो किसी को भी बिना मारे नहीं छोड़ता है। फटाफट से यहाँ से भागो मेरे भाई, लेट्स गो। ओके, तो मैं सामने जा रहा हूँ, और जहाँ तक हो सकता है मुझे स्पाइडरमैन को बताना पड़ेगा यार। और स्पाइडरमैन को मैं कैसे मिलूँ यार, अभी तो वो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर दिन में ही आता है यार। मेरा तो पोपट हो गया क्योंकि मैं रात में फंस चुका हूँ। मेरे आसपास चक्की डोर घूम रहे हैं और मैं कितना खुला घूम रहा हूँ गाइज। चलो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले तो ऊपर भाग जाता हूँ। देखो सामने हम ऊपर जा सकते हैं, तो चलो गाइज रेलवे स्टेशन पे मैं अभी आया हूँ, और फिलहाल के लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। ओके ओके लेट्स गो। तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि स्पाइडरमैन कहाँ मिलेगा मुझे। यार स्पाइडरमैन को मैं कैसे बुलाऊँ, मैं जोर जोर से बोलता हूँ हेलो हेलो स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, यार उसे कैसे सुनेगा। ओके ओके, तो गाइज देखो सामने एक स्पाइडरमैन भागा भागा जा रहा है। मेरे ख्याल से किसी ने उसे बता दिया होगा कि चक्की डॉन आ चुका है, लेट्स गो। तो आज हमें देखने को मिलेगी चक्की डॉन वर्सेस स्पाइडरमैन। तो गाइज देखते हैं इस फाइट में कौन जीतने वाला है। गाइज जहाँ तक मुझे लगता है ना, स्पाइडरमैन है ना उस चक्की डॉन की चटनी बना देगा, तो देखते हैं क्या सीन होता है। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, चलो यार चलते हैं, देखते हैं क्या सीन आखिर हमारी सिटी में चल रहा है यार। ओके, तो मुझे फटाफट से अपनी कार चलानी पड़ेगी, बट ये मैं कैसी कार चला रहा हूँ यार, पटरी के ऊपर सारी की सारी गाड़ी टूट फूट चुकी है, मैंने नहीं ली थी, बट कोई बात नहीं, चलो इतना तो चलता है ना मेंटेन में। अब फटाफट से हमें ढूंढना पड़ेगा चक्की डॉन को। आई थिंक अब तक तो स्पाइडरमैन ने उसे ढूंढ लिया होगा यार, क्योंकि स्पाइडरमैन है ना बहुत ही ज्यादा फास्ट जाता है यार कोई भी काम करने के लिए, और जल्दी ही उसे निपटा देता है। अरे नहीं नहीं यार, अब मुझे गाड़ी भी रिपेयर करानी पड़ेगी, बट आई होप ये गाड़ी गई थोड़ी बहुत चल जाए। मुझे स्पाइडरमैन और चक्की डॉन की फाइट देखनी है भाई। चक्की डॉन सही में बहुत ही खतरनाक डोल है यार, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है, और उसने मुझे कैसे छोड़ दिया आई डोंट नो, क्योंकि वो सीधा जा रहा था यार किसी को मारने के लिए। तो देखते हैं गाइज क्या सीन होता है। और आई थिंक गाइज अभी के लिए हम आ चुके हैं अपने घर के साइड पे, और अभी फिलहाल हम अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि है ना टीवी में तो खबर आई गई होगी, तो फिलहाल हम टीवी में देखते हैं, उसके बाद हम पता करते हैं लाइव लोकेशन हमें कहाँ पे जाना है यार चक्की डॉन को देखने के लिए। और यहाँ पे टीवी में ही देखने को मिलेगा आखिर स्पाइडरमैन उसकी चटनी कैसे बना रहा है। लेट्स गो देखते हैं। ओके ओके, फटाफट से टीवी चलाओ मेरे भाई, एसी तो चल रही है ना। हाँ एसी चल रही है, और अब हम यहाँ पे टीवी देखने लगते हैं। ओके, तो गाइस सामने एक लेडी आ रही है, और देखते हैं अब क्या होने वाला है। आई थिंक स्पाइडरमैन आएगा। अरे नहीं, चक्की डॉन ने इस लड़की को मार डाला भाई, कैसे चक्कुओं से मार रहे है भाई वो, उसने बहुत सारे चक्कू के वार किए। ओ माय गॉड, इतना खतरनाक डेंजरस है कि चक्की डॉन, और अभी तक स्पाइडरमैन नहीं आया है। यानी कि गाइज देखो यार, मैं कितना ज़्यादा डेंजरस तरीके से घूम रहा था, और चक्की डॉन अभी तक स्पाइडरमैन के कब्जे में नहीं आया है। ओके गाइज, तो मैं अपने घर पे भी सेफ नहीं रह सकता हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस वाले ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। गाइज मुझे तो लगता है आज मुझे अपनी जेल में ही रात बितानी पड़ेगी। तो गाइज मैं भागा भागा आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन, और मुझे लगता है पुलिस वाले तो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे यार, और यहाँ पे टीवी भी नहीं है। हेलो हेलो पुलिस वालों, अपने सिटी में आ चुका है चक्की डॉन, मुझे बचाओ। अरे अरे कुछ भी नहीं आया है, अगर तुम सेफ फील नहीं कर रहे हो तो ऊपर चले जाओ। ओके ओके गाइस, देखो यार
पुलिस वालों ने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं ऊपर रह सकता हूँ, बट ये क्या यार, यहाँ से तो सब कुछ दिख रहा है। चक्की डॉन कहीं मेरे को दूर से ही नहीं देख ले। बट वैसे हाँ, चक्की डॉन मुझे क्यों ही मारेगा, बट कहीं उसे लगा कि मैं डेंजरस हूँ इसलिए तो नहीं। ओके गाइज, यहाँ पे इंतजार करते करते ही मॉर्निंग भी हो चुकी है और चक्की डॉन नहीं आया, तो अब जाके मुझे थोड़ा बहुत सेफ फील हो रहा है। और ये क्या यार, यहाँ पे तो पुलिस वाले भी सो रहे हैं। ओके अभी उठ चुके हैं। हेलो पुलिस वालों, थैंक यू यार मेरे को बचाने के लिए, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम लोग मेरे को बचा लोगे। बट सीरियसली मैं सही कह रहा हूँ, हमारी सिटी में आ चुका है चक्की डॉन और वो चक्कों से हमला करता है, इसलिए तो मैं इतना डर गया था। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो हम तुम्हें बचा लेंगे। अरे वाओ गाइज, देखो यार पुलिस वाले कितने अच्छे हैं, वो मुझे बचा लेंगे, लेट्स गो। तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए यार? ओके तो फटाफट से मैं अपने घर जा रहा हूँ। और देखो यार सामने एक रैंपेज है, एक काम करते गाइज, हम अपनी बाइक को लेके ऊपर ही चले जाते हैं, हम आई थिंक थोड़ा सा सेफ रहेंगे। क्योंकि गाइज देखो चक्की डॉन छोटा सा है और वो नीचे ही घूमता रहता है मेरे भाई। गाइज ये बात सुनने में तो काफी ज्यादा फनी लगती है, बट सीरियसली यार वो सही में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो जहाँ तक मुझे लगता है मुझे ऊपर ऊपर ही रहना पड़ेगा, और इस स्पाइडरमैन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। गाइज मेरे ख्याल से चक्की डॉन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और गाइज देखो यार हो सकता है कि स्पाइडरमैन उसे मारने की प्लानिंग कर रहा हो। तो गाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ वेट कर सकते हैं, और हमें ऐसे वैसे वेट नहीं कर रहा है, वेट नहीं करना है ऐसे वैसे, हमें बच के रहना पड़ेगा, ठीक है ना गाइज? तभी हम थोड़ा बहुत सेफ रह सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है यार। ओके तो सामने कितना ज्यादा फोग भी हो चुका है गाइज, और सही में खतरनाक यहाँ पे हमारा वेदर भी हो चुका है। तो जहाँ तक मुझे लगता है गाइज कुछ डेंजरस ही होने वाला है यार, पता नहीं कैसी फाइट होने वाली है चक्की डॉन और स्पाइडरमैन की। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कंस्ट्रक्शन एरिया में, क्योंकि गाइज देखो जो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं ना वो यहीं पे रहते हैं, और यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा क्या सीन चल रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यानी कि गाइज चक्की डॉन पूरे शहर में फैल चुका है, सभी को उसके बारे में पता चल गया, और आज कोई भी नहीं आया काम करने के लिए। ओ माय गॉड, अरे यार गाइज ये तो सही सीन है। तो चलो गाइज ऊपर जाके देखते हैं, आई थिंक यहाँ पे कोई भी नहीं है तो चक्की डॉन यहाँ पे तो क्यों ही आएगा, और हम यहाँ पे सेफ भी रह सकते हैं मेरे भाई लोग, लेट्स गो। तो ऊपर जाते हैं छत पे फटाफट से, क्योंकि गाइज देखो यार लॉजिकली मुझे लगता है चक्की डॉन ऊपर तो नहीं आता, सिर्फ सड़कों पे ही घूमता है, लोगों को मारता और लूटता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और अभी तक सब कुछ यहाँ पे सेफ चल रहा है मेरे भाई लोगों, लेट्स गो। ओके भाई कितना खतरनाक मौसम है मेरे भाई। अरे ये क्या, सामने स्पाइडरमैन और चक्की डॉन की फाइट, और ये स्पाइडरमैन कहाँ पे चला गया यार? ओ माय गॉड, वो एक रैंप के ऊपर है और चक्की डॉन पूरी कोशिश कर रहा है गाइस हमला करने की, और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और मुझे देख रहा है। भाई इधर मत भाग के आना यार, प्लीज वहीं पे करते रहो। अरे ये क्या, स्पाइडरमैन ने उसके ऊपर हमला कर दिया है रॉकेट से, और गाइज मुझे तो नहीं लगता कि हमारा चक्की डॉन बचेगा। और नो, चक्की डॉन गाइज यहाँ पे खत्म हो गया है, और फाइनली हम सभी के सभी बच गए। ओ माय गॉड, ओके चक्की डॉन यहाँ से जा चुका है, पता नहीं कहाँ चला गया, उसकी गाइज बॉडी बची थी और स्पाइडरमैन उसे उठा के ले गया, और वहां से मैं भी नीचे गिर चुका हूँ। अरे यार मेरी हड्डियाँ टूट गई है भाई लोगों, पर कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे है ना गाइज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि स्पाइडरमैन ने हमें फिर से बचा लिया है और हमारी सिटी अब काफी ज्यादा सेफ है। और गाइज देखो यार, कल रात को तो मैं बाल बच गया पुलिस स्टेशन जाके, नहीं तो गाइज देखो यार मैं अपने घर पे होता ना तो मुझे नींद भी नहीं आती, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डर चुका था। लेट्स गो, तो चलते हैं यार। अरे यार गाइज देखो, अब मुझे ना सीधा स्पाइडरमैन से मिलना होगा, मुझे उसे थैंक यू भी बोलना है यार, आखिर उसने मुझे बचाया है चक्की डॉन से। और गाइज देखो यार, अब फाइनली सभी के सभी बाहर निकलने लग गए हैं सभी लोग, आई थिंक टीवी में भी खबर आ चुकी होगी कि स्पाइडरमैन ने चक्की डॉन को ख़त्म कर दिया है, और गाइज हमारी पूरी ही पूरी सिटी बच गई। एंड गाइज यार रियली मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, आप इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई लोगों, ठीक है। तो अब चलते हैं फटाफट से घर,
लेट्स गो, हमारा घर कितनी दूर है यार। ओके आई थिंक आ गए हैं। आज है ना गाइस बहुत ही ज्यादा फोग हो चुका है, इसलिए मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई लोगों को। ठीक है लेट्स गो, घर आ चुका है, अभी हम जाते हैं अंदर। और गाइस स्पाइडरमैन को है ना कहीं पे हमें मिलना पड़ेगा ताकि मैं उसे थैंक यू बोल सकूं, पर देखूंगा आखिर स्पाइडरमैन मुझे मिलेगा कहाँ, उसने मुझे कोई कॉन्टेक्ट भी तो नहीं दे रखा। वैसे गाइस स्पाइडरमैन हमारे घर आता रहता है तो देखेंगे क्या सीन चलता है। ओके लेट्स गो, ओ माय गॉड इतने सारे स्पाइडरमैन कैसे आ गए। आई थिंक गाइस स्पाइडरमैन अपनी पावर का यूज कर रहा है। ठीक है लेट्स गो, ओ माय गॉड इतने सारे स्पाइडरमैन भाई साहब। ओके असली का स्पाइडरमैन हमसे मिलने आ गया है। हेलो हेलो गाइस, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, और ये क्या स्पाइडरमैन मुझसे गले मिल रहा है। अरे ये क्या यार, ये दादी यहाँ पे क्या कर रही है। अबे रॉकेट मत छुटाना नहीं तो हम सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अरे ये क्या यार, उस दादी ने तो रॉकेट छुटा दी और सभी के सभी यहाँ से भाग चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ स्पाइडरमैन ही बचा है।